हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। और जी आप सोच रहे होगे आज फिर रेडी हो गई है, तो भाई रेडी होके जा रहे हैं आज अपनी वॉच को ठीक करवाने। ठीक कराने का मतलब ये है कि बच्चों ने बर्थडे पे, आपने देखा था लास्ट व्लॉग में कि मुझे वॉच गिफ्ट करी थी, तो वो मुझे लूज है थोड़ी सी, तो अब वो फिट आएगी जब भी तो पहनी जाएगी, तो उसके जो है ना तो कुंडे से निकलेंगे ताकि वो मेरे हाथ में अच्छे से फिक्स हो सके, ताकि मैं पहन सकूँ उसे। बर्थडे पे भी बच्चों ने बोला पहनने के लिए, तो मैंने कहा बेटा लूज है कैसी पहनी जाएगी। तो सुनील जी बोल रहे हैं चल चलते हैं, मैं भी फ्री हो गई हूँ, मेरा काम वगैरह सारा डन हो गया था और अभी तन्मय को लाने में भी टाइम है, तो मैंने कहा चलो करवा जाते हैं ये काम भी, जो काम जैसे जैसे निपट जाए बढ़िया रहता है। तो हम अब जा रहे हैं और भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और बाहर भी बहुत तेज़ धूप है। तो सुनील जी रेडी हैं, तो ये तो तैयार हो गए हैं, तो गाइस मैं भी रेडी हूँ, तो चलते हैं। मकान तो बढ़िया बढ़िया बने हुए यहाँ पे है ना, कोठियाँ बनी हुई है। इतना आए गाइस, अपने डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं, हम यहाँ से गाड़ी ठीक कराएंगे। और कौन से गर्ल्स के हैं वॉच कह रहे थे आप? अरे दिखाओ तो सही, गर्ल्स की होती हैं, छोटी वाली गर्ल्स की होती हैं। ये गर्ल्स की हैं गाइस, बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन है, आप देख सकते हैं। ये वुमेन वॉच है, सही कह रहे हो, बट सुंदर वही लग रही है ना। नहीं नहीं मैं कह रही हूँ ये चश्मे, ये लेंस कार्ट वाले हैं, उनसे हैं फास्ट पैक वाले हैं, ये भी घर आते हैं क्या गाइस? क्या चश्मा देख लो, देख हाँ सुनो, तनिष के लिए फ्रेम देख लो आप यहाँ से, मेरे देखने को भी लाना पड़ेगा फिर गाइस, उसके लिए भी हमें फ्रेम लेना है। फ्रेम देख सकते हैं, तनिष को फोटो दिखा दूंगी फ्रेम की। वेट महंगे फ्रेम है। अच्छा तो महंगे है तो क्या हो गया, फादर साहब जिंदाबाद। इधर अच्छे हैं, चेक करो, मेरे को ऐसे अच्छे लगते हैं छोटे छोटे, वही अच्छे हैं तनिष। हाँ कैप्चर कर लेते हैं तनिष, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना, आंटी लुक। हेलो गाइस, तो गाइज हम वॉच टाइट कराने गए थे अपनी, तो वहाँ पर भैया ने जो है ना इतनी टाइट कर दी कि वो जो है ना मेरे हाथ में फंस गई थी, फिर दोबारा से उन्होंने उसके लॉक को जो है ना लूज करके जो एक्स्ट्रा लॉक डाले और ठीक करा। गाइज हमारा काम हो गया, वॉच हमारी होगी ओके, एकदम अप टू डेट फर्स्ट क्लास। क्यों सुनील जी फ्री में काम करवा दिया, फ्री में काम करवा दिया आपका? गाइस फ्री में काम करवाया इनका मैंने, कुछ भी हुआ है। गाइस वापस आ गए घर पे और हमारा काम भी डन हो गया और घड़ी आ गई फर्स्ट क्लास, अब जब पहनूंगी ना तो आपको दिखाऊंगी। और जी अब सुनील जी गए तन्मय को लेने, टाइम हो गया उसके कोचिंग से आने का, तो अब मैं भी खाना बनाने जा रही हूँ, तो अपना लंच बनाते हैं। लंच में बनाई है आज घिया की सब्जी, जो कि बच्चे जो है ना मुंह बना के खाएंगे। ये बनाती हूँ माँ की दाल जो होती है ना, उड़द की दाल की बड़ी डाल के बहुत टेस्टी बनता है, तो जी वो बनाती हूँ। मैं खाना बनाने जा रही हूँ और फिर जैसे दिन स्पेंड करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। तो गाइस शाम हो गई है और मैं जा रही हूँ पार्क वॉक करने, 5:30 बज गए हैं, चलते हैं। गाइस पार्क के इतने हाल खराब हैं कि यहाँ पे देख लो जी सफाई नहीं हो रही बिल्कुल भी, इतने पेड़ जंगाड़ उगे हुए हैं, और ये तो पता नहीं कितने दिन से पेड़ काट के रखे हुए हैं, इसको उठा ही नहीं रही कूड़े को, ये देखो पता नहीं यहाँ का हमारे पार्षद है या जो भी है क्या कर रहे हैं, इतनी गंदगी हो रही है पार्क में, सब लेडीज बोल बोल के थक गई हैं। इस पार्क से आगे वापस और पार्क से आगे मैं बना रही हूँ चाय, तो जी सुनील जी बोल रहे कॉफ़ी, यहाँ तो सबके अलग अलग टंटे हैं खाने के, वो बोल रहे कॉफ़ी बना दे, शायद जिम जाएंगे आज मॉर्निंग में नहीं गए, बन रही है उनकी कॉफ़ी और यहाँ बना रही हूँ मैं अपनी चाय, दूध उबालने के लिए रख दिया है। शाम का किचन रूटीन जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है, चाय में डालते हैं अदरक,
क्योंकि हम पीते हैं अदरक वाली चाय। खाने में क्या बनाए? कुछ भी। सुनो बाजार जा रहे हो आप? जिम जाओगे ना? भी मटर ले आना। हमें तो मिल जाती है। छत लगाते हैं आज। हमने श्रीनगर से लेके हमने सुकुरपुर तक एक मिनट वाला छोटा लेकिन मटर की सीपा ये 400 रुपए किलो। ये आपका बच्चा जमीन खोद के मटर लाएगा आज। आ गया है अमरनाथ का प्रसाद। भैया दे गए हैं महादेव सेवादार चैरिटेबल सोसाइटी। कोई गया था उनका फ्रेंड अमरनाथ, तो प्रसाद लाए थे, तो उन्होंने हमें भी दे दिया है। पंजीरी का प्रसाद है। अब ये प्रसाद सबको खिलाएंगे और उससे पहले मैं करूँगी डिनर, क्योंकि डिनर टाइम हो गया और आज इतनी गर्मी हो रही है कि आज मेरे फिर थोड़ा हल्का हल्का सिर में दर्द हो रहा है। मेरे यार गर्मी से हेडेक स्टार्ट हो जाता है। अमरनाथ का प्रसाद है ये। ओके इतनी गर्मी। ये बताओ ये प्रसाद कहाँ से लाए हो? ये प्रसाद भोले मामा दे गए हैं। तुम्हें टीवी भी देखना होता ना। जो है कहाँ का पता नहीं, अमरनाथ का कह रहे हैं, केदारनाथ का। उनके फ्रेंड गए थे कोई, तो पापा ड्राई फ्रूट भी है देखो बोल सर। लो टेस्ट कर लो, खा लो। झूठा हो जाएगा। झूठा क्या चम्मच? हम घर वालों नहीं तो खाना है। नाइस फूल प्रसाद, ड्राई फ्रूट डलाओ प्रसाद में। एक नंबर ऐसे ही बोलना जी प्रसाद को, टेस्टी है। खाना खाऊंगी, खाना खा लो आप भी। देखो बदल पतली शाह मैंने दही जमाया हुआ है एसी में। आप सोचे कि ये क्या गड़बड़ी रखी होती है, तो ये दही जमाती हूँ ताकि किचन में दही खट्टा ना हो। एसी में खट्टा नहीं होता, ठंडा ठंडा एकदम ताजा ताजा रहता है, मीठा। मतलब कुल मिला के बात ये है। अब बताओ क्या चाहिए पापा? क्या गिफ्ट दे रहे हो? दे तो दिया। क्या दिया था? कोई शूज नहीं दिया पिछले महीने। अरे वो 10th में फर्स्ट आया था, वो उस चीज के है। कुछ याद नहीं रहता इतने। उस चीज के है? इतने इतने लालची हो रहे हो आजकल आप, मेरे को समझ नहीं आ रहा। अरे गिफ्ट हो रहा है यार, जब बच्चा बर्थडे है तभी दोगे ना। क्या देना भाई बता। तभी क्या कुछ चाहिए बेटे, इधर को बता दे यार। हर बार मना मना मत करा, अगर तनिष्क को बोलो ना फट बता दे। कुछ तेरा अच्छा हो तो ये भी तो दिया था। देखो ये भी तो दिया था। ये क्या है? ये ऐसे कॉम्प्लीमेंट थे इसको थे। या आपने अपने लिए मंगाए थे? तेज ना मनु ज्यादा अपने लिए नहीं मंगाए थे, इसके लिए मंगाए थे। मंगाए इस गाइस मंगाए इसके लिए थे और लगाए खुद रखते हैं गन में ज्यादा दिन। चालू पापा फोन भी तो लेके दिया। बता बेटे सारे भेद ना खुलवाओ। नहीं चल बता भाई, बता क्या चाहिए बता दे बेटे। जो इच्छा हो अभी। ये तो रही है, आपने बताया नहीं स्कूल बैग दिया था, ये तो बोला ही नहीं। बताइए क्या चाहिए? कुछ भी, टी शर्ट वीशर्ट, कुछ कपड़े चाहिए? सच बोल। कपड़े पैंट वो बिना मांगे मिल जाते हैं, देख लेंगे। ट्राउजर चाहिए ढीले ढीले? चाहिए क्या? सरोजनी रखे तो हैं। सरोजनी सरोजनी के लोगे इतनी गर्मी में घूम जाए मजाक। अच्छे कपड़े मिलते हैं गाइस सरोजनी में, इतने बढ़िया कपड़े मिलते हैं ना, बस ढूंढने वाला होना चाहिए बंदा। हम तो जाते ही थक जाते हैं वहाँ। अच्छे कपड़े महंगे मिलते हैं, वहाँ सस्ते भी मिलते हैं। हाँ ये बात भी सही बोली आपने, अच्छे कपड़े महंगे मिलते हैं। कपड़ों का रेट वही है वो यहाँ पे आए हैं। हम सरोजनी गए, तनिष्क की पैंट लेके आए 1000 रुपए की। सब बोल रहे तुम सरोजनी से भी 1000 रुपए की लाए हो, तो जाने का तुम्हारा फायदा क्या? क्यों वीरे 200 रुपए? सही बात नहीं है। बड़ा शर्मीला है यार ये, किस पे चला गया तू इतना? इसको किसकी गुट्टी थी? उसकी नरेश की, उसको दी। किसकी थी? मम्मी की, माजी के। हाँ तो तू इतना ढीला कैसे? माजी भी है तो सही, खैर माजी शायद थोड़ी सी है, मतलब गैदरिंग में शर्म शर्मा जाती है ज्यादा बंदों में। घर वाले सारे ढीले होते हैं। हाँ मगर तू हमारे साथ भी कंफर्टेबल नहीं है। घर वाले तो ढीले होते हैं ना। क्या खाएगा बता? क्या खाएगा? मतलब खाए खाने को तो खैर मिल ही जाएगा। खाने को कुछ, खाने को तो कुछ भी दे दो। जब एसी में सो रहे हो और क्या
कर्जे में होके तुम एसी में सो रहे हो भाई, खर्चा करके कमजोर हो गया। तो एसी का बिल कैसे भरोगे? एसी का बिल भी भरेंगे कर्जा लेके। वाह वीरे वाह, इसे कर्जा लेके भर देंगे। नहीं भाई, ऐसे दिन ना दिखाए भगवान हमें, सब अच्छे से। गाइस मजाक चल रहा है, अब तन्मय का बर्थडे आ रहा है नेक्स्ट वीक, फुल पार्टी करेंगे, पार्टी ऑन रॉक। ओके तन्मय, जो भी होता है पार्टी करेंगे, कुल मिला के ये बात है। तो प्लानिंग तो यही है अभी, ठीक है जी। और अब मेरे हो रहा है सिर में दर्द, इसलिए मैं कर रही हूँ व्लॉग को एंड। एक बार फिर वही बात बोलूँगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा चैनल सब्सक्राइब करना, जो लोग नए हैं चैनल पर और कमेंट भी कर देना। इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं, बाय बाय। बाय कर दो बाय।